हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड दिस इज़ कुश पांडे। आपका स्वागत है हमारे खास शो में जहां पर हम रोज़ फोकस करते हैं उन सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को और आज भी हम इसी शो में वही करने जा रहे हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने के लिए आपके सामने हमारा मोटिवेशनल कोट बदस्तूर मौजूद है। डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो, डोंट प्रोमिस जस्ट प्रूव। बात ना करो करके दिखाओ, कहो मत दिखाओ, प्रॉमिस मत करो उसे प्रूफ करो। सो गाइस, दिस इज द मंत्रा ऑफ एनी एंड एवरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड। तो ये आपका भी हो सकता है, ये मेरा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स आप क्या करना चाह रहे हैं। सो विद दीज लाइंस गाइस, लेट्स स्टार्ट द शो एंड हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड दिस इज आपका होस्ट, आपका दोस्त कुश पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं और अब आपको ले चलते हैं सबसे पहले हमारे आज के वार्म अप क्विज पर और ये रहा आपके सामने द फर्स्ट क्वेश्चन। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहना है तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में वंस द शो इज़ ओवर। सो एज एंड व्हेन द शो विल बी ओवर वी विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑन आर टेलीग्राम चैनल एंड आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारा आज का पहला सवाल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विथ रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट इज राइम्स फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइम्स, जिसका पूर्ण रूप है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, के साथ एक गठजोड़ किया है ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट में बेहतरी आ सके? एंड द आंसर हियर गाइस इज, द आंसर इज, इट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में राइम्स के साथ गठजोड़ किया है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे अगले सवाल पर। The 2016 International Day of Tropics is observed on which day? देखिए थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है और अगर आप ट्रॉपिक्स से समझेंगे तो इस सवाल को आप आसानी से कर भी पाएंगे। तो 2018 का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ट्रॉपिक्स का, वो हाल ही में किस डेट पर आपका सेलिब्रेट हुआ? और दोस्तों इसका जो आंसर है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट इज़ June 29 को आपका सेलिब्रेट हुआ द 2018 अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑफ ट्रॉपिक्स। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Who has taken over charge as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs? हाल ही में कौन बने हैं नए अध्यक्ष CBIC के? ये सवाल थोड़ा पुराना भी है और अभी हाल ही में ये बने हैं। तो सवाल बहुत ही छोटू सा इत्तू सवाल है कि आफ्टर रिप्लेसिंग वंजना एंड सरना, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द CBIC, जिसका अर्लियर नाम था आपका CBEC, दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। एंड यहाँ दोस्तों जो आंसर है, दैट इज़ नॉट सदगोपन रमेश, वो क्रिकेट प्लेयर थे, बट यहाँ नाम है S. रमेश, ही वॉज एन IAS ऑफिसर। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। Which committee has been constituted by the union government to upgrade norms for state and district level economic data collection? हाल ही में किस समिति को बनाया गया है जो कि केंद्र सरकार द्वारा जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के इकोनॉमिक डेटा है उनको अपग्रेड करने के लिए बनाई गई है? तो ये सवाल एग्जाम में मेरे हिसाब से आ सकता है, ये आना चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये सवाल आप याद रखिएगा। इस कमेटी का नाम है RH ढोलकिया कमेटी। दिस कमेटी इज़ बीन सेटअप फॉर अपग्रेडिंग नॉर्म्स एंड फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमिक डेटा कलेक्शन, जिससे कि GDP की बात करें या जो एक ग्रोथ रेट की बात करें उसे बेहतर हम यहाँ पर कर पाएँ। एक रिक्वेस्ट आ रही है हमारे फ्रेंड से, वो चाहते हैं कि वी शुड बेसिकली इंक्रीज द वॉल्यूम द शो। तो क्या आप सब लोग चाहते हैं? अगर आप सब लोग चाहते हैं तो एक बार लिख दीजिए कमेंट्स में, येस सर, येस सर, येस सर, वी वॉन्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर शो, ताकि हम इसको थोड़ा और बढ़ा सकें। आगे बढ़ें और ले चलें आपको हमारे आखिरी सवाल पर। दी आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड्स आर रिलेटेड टू विच गवर्नमेंट स्कीम्स? हाल ही में आई प्लेज फॉर 9 अचीवर अवार्ड दिए गए, इसका संदर्भ किस सरकारी योजना से है? एंड इसका दोस्तों जो आंसर है, द आंसर इज, इट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। आई अगेन रिपीट, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इससे आपका मतलब है आई प्लेज फॉर 9 अचीवर्स अवार्ड। बिल्कुल ये सही जवाब है। तो दोस्तों ये हमारे 5 सवाल हो गए हैं। तो अगर अब आप चाहते हैं कि हम शुरू करें अपनी चर्चा को विद द फर्स्ट करंट अफेयर, एक बार फिर से लिख दें कमेंट्स में। एंड अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो गिव मी अ बिग बिग ब्रॉड स्माइल। एंड सिंस इट्स अ मंडे मॉर्निंग, इट्स अ न्यू वीक, एवरी वन शुड बी हेल एंड हार्टी एंड ऑल्सो वेरी वेरी फैट।
चलिए तो ले चलते हैं आपके सामने हमारे अगले हमारी पहली खबर पर, जो कि ये रही आपके सामने गाइस। ये खबर वैसे बहुत ही छोटी सी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पीयूष गोयल, जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो इस बार 1 लाख करोड़ को तो पार करेंगे करेंगे, इट विल बी द हाईएस्ट एवर। नाउ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अक्रॉस द कंट्री महाराष्ट्र इज टॉपिंग द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ जीएसटी एज ऑफ दिसंबर 2017। सेकेंड पर यूपी है, थर्ड पर कर्नाटका है, फोर्थ पर तमिलनाडु है एंड फिफ्थ पर आपका गुजरात है। सो आइए दिखाते हैं इस खबर के बारे में, और ये रही आपकी खबर जहाँ पर आप देख सकते हैं द जीएसटी मंथली रेवेन्यू विल एक्सीड 1.1 लाख करोड़ एज पर द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मिस्टर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के हिसाब से, पीयूष गोयल जी के हिसाब से जो जीएसटी कलेक्शन है वो आपका 1.1 लाख करोड़ ज़्यादा होगा। अगर मैं सही हूँ, 1 जुलाई इज सेलिब्रेटेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट एज द जीएसटी दिवस और द जीएसटी डे। इट वॉज द वेरी सेम डे प्रीवियस ईयर दैट द जीएसटी वॉज एक्टिव, एंड तब से लेकर अब तक हर साल 1 जुलाई को द गवर्नमेंट ऑफ द एनडीए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली सेलिब्रेट्स द जीएसटी डे। ऑल राइट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, बिकॉज पॉइंट पे आप समझेंगे बेसिकली है क्या। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ लेवीड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग नहीं जानते हैं, जीएसटी बेसिकली इज़ बेसिकली एन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्टली ये हमसे लिया नहीं जाता, हम कोई चीज़ अगर खरीदते हैं, इफ़ वी बाय परचेज समथिंग, उस पर ये टैक्स लगता है। द रेंज ऑफ दिस टैक्स इज स्टार्टिंग विद 0 एंड एंडिंग एट अ मैक्सिमम 28%। सो बेसिकली इट हैज़ 5 स्लैब्स, 0, 5, 12, 18, 28, एंड द प्रीवियस ईयर ऑन जुलाई 1, 2017 इट वॉज स्टार्टेड एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई द 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई द इंडियन गवर्नमेंट। तो जो जो मैंने हाईलाइट किया उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट रिप्लेस्ड ऑल द मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेज। द स्लैब स्टार्ट फ्रॉम 0, 5, 12, 18, 28, इट स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2017 एंड 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, उस वजह से आपका ये स्टार्ट हुआ। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट 1 जुलाई को, जो 1 जुलाई था, उस दिन आपका डॉक्टर्स डे भी होता है। सो अपार्ट फ्रॉम द रिसेंटली अनॉइंटेड डे दैट इज द जीएसटी डे, 1 जुलाई को आपका डॉक्टर्स डे भी होता है, तो उसको भी यहाँ पर आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम बैक टू स्क्रीन गाइज। सो द फर्स्ट हेडलाइन इज डन एंड डस्टेड, एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन आर सेकेंड हेडलाइन, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर। अ 216-foot-tall सेलिब्रेशन ऑफ रामानुजा। अब दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा नाम आया है रामानुजा। सेवरल ऑफ यू शैल फील कि ये तो हम बात कर रहे हैं द ग्रेट मैथमेटिशियन की, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर ग्रेट मैथमेटिशियन की बात नहीं कर रहे, बट वी आर फोकसिंग ऑन अ भक्ति मूवमेंट सेंट हुज नेम वॉज आचार्य रामानुजा। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द स्टैचू, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे एक बन रही है प्रतिमा, दिस इज़ द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू and it will stand at a height of 216 feet। तो दुनिया का ये सेकेंड सबसे बड़ा स्टैचू है, and basically it's a tribute to the bhakti saint Ramanujacharya. Now he lived 1000 years ago and traveled widely spreading message of equality, and इनकी याद में, इनके ट्रिब्यूट में इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। Now this figure जो कि आपके सामने दिख रहा है has been assembled from 1500 pieces and is located near the Shamshadabad airport. तो बहुत ही सिंपल सी खबर है दोस्तों है कि the second tallest statue of the world is being constructed. It is constructed near Hyderabad and it is 216 feet in height and it is of the great saint Ramanujacharya. करीब 1500 pieces have been assembled for this particular प्रतिमा and उनकी याद में इसको बनाया जा रहा है। दोस्तों it was started in the year 2016 में इसको start किया गया था and now it will be completed this very year. अगर हम अभी की बात करें, the tallest ever statue is basically the great Buddha of Thailand, which is the tallest statue of 302 feet. तो सबसे बड़ा जो statue है वो आपका है थाईलैंड में, एंड देखिए वो यहाँ पर मैं आपको फिर से हाईलाइट भी करता हूँ उसके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये लिखा हुआ है
कि वो आपका है बेसिकली थाईलैंड में, उसका नाम है द ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड, ऑलराइट, जिसका जो हाइट है दैट इज एट 302 फीट। सिमिलरली जो सेकेंड सबसे बड़ा स्टैचू है दैट इज इन चाइना, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि चाइना में आपका वो है, एंड उसका जो यहाँ पर नाम है दोस्तों दैट इज़ द गुनाइन फिगर ऑन माउंट सियाओ, उसकी हाइट है आपकी 203 फीट। सो इसकी हाइट क्योंकि 216 फीट है, बिकॉज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ एट 216 फीट, तो ये दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा स्टैचू यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस। सो गाइस बहुत ही आसान सी खबर है कि इन द स्टेट नियर बाय हैदराबाद वी विल हैव द सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, वे इट विल बी एट 216 फीट, नंबर वन। नंबर टू बात करें तो हाइएस्ट स्टैचू आपका थाईलैंड में है जिसका हाइट आपका 302 फीट है। टू डिस्कस दिस हेडलाइन इन डिटेल लेट्स हैव द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने। अ 216 फुट टॉल सेलिब्रेशन ऑफ रामनुजा, रामनुजाचार्य स्टैचू इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ अ सीटेड फिगर एट 216 फीट। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, सेकेंड, शुरू हुआ आपका 2016 में, एंड अभी तक जो इसका बेस हाइट है वो है 54 फीट, एंड इट विल इंक्रीज टू 216 फीट। करेंटली वर्ल्ड्स हाइएस्ट एवर स्टैचू गाइज इज बेसिकली द स्टैचू ऑफ द ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड, उनका स्टैचू है जिसका फीट आपका 302 फीट है। द इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज 1000 करोड़, एंड ऑलरेडी 500 करोड़ इस पे स्पेंड हो चुके हैं इन द फेज वन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। आशीष कुमार जी, मैं जितना स्पीड पे चल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सफिशियंट है, बिकॉज सबको लेकर मुझे चलना है, सिर्फ आपको लेकर नहीं, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इतना तो दोस्त भाई तो अंडरस्टैंड करेगा। तो एक सवाल आ रहा है फ्रॉम अनबायस्ड ओपिनियन, क्या नाम है, रामानुजाचार्य वो लिव्ड 1000 ईयर्स अगो, ही बिलोंग टू द भक्ति मूवमेंट, ही वॉज अ भक्ति सेंट, वो इनका बेसिकली नाम है। तो क्या ये आपको क्लियर है, एक बार जरा कमेंट्स में डाल दीजिएगा येस सर, येस सर, येस इट इज़ क्लियर, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ अपनी अगली खबर पर। ओके, तो अब ये रहा आपके सामने द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस। नेवी मैन सेट सेल ऑन वर्ल्ड वॉयज, वी हैव अ वेरी फेमस कमांडर इन द इंडियन नेवी, अभिलाष टोमी, ही इज़ द ओनली इन्वाइटी टू पार्टिसिपेट इन द गोल्डन ग्लोब रेस, ही इज़ द ओनली इन्वाइटी बेसिकली फ्रॉम एशिया टू बी अ पार्ट ऑफ द गोल्डन ग्लोब रेस। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल कई सारे बनते हैं, यहाँ सवाल पहले बनता है कि वॉट इज़ द नेम ऑफ द नेवी मैन, उस नेवी मैन का नाम क्या है, एंड वॉट इज दिस गोल्डन ग्लोब रेस ऑल अबाउट। तो दो सवाल बनेंगे कि नेवी मैन कौन है आपका, नंबर वन, एंड नंबर टू, ये जो गोल्डन रेस है, गोल्डन ग्लोब रेस है, आखिरकार ये क्या होती है। तो दोनों पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, उसके लिए ज़रा हम आपको यहाँ दिखा दें। बेसिकली इनका जो नाम है दोस्तों, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ कमांडर अभिलाष टोमी, हु इज़ फ्रॉम द इंडियन नेवी, ही इज़ अ वेरी नोन सेलर, एंड ही विल पार्टिसिपेट इन द गोल्डन ग्लोब रेस दैट विल स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न फ्रांस ऑन संडे। तो वहाँ ये आपका स्टार्ट होगा, नंबर वन। नंबर टू इंटरेस्टिंग बात है कि ही इज़ द ओनली इन्वाइटी फ्रॉम एशिया टू द प्रेस्टीजियस GGR, देर आर 18 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग 1 वुमन सेलर। अच्छा, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ द GGR, द GGR इज बेसिकली अ रेस, वन सेकेंड, यस Yes, the GGR is basically a race in which the participants have to require to sail around the world single-handed and non-stop. तो ये जो रेस है, इस रेस के अंदर, मेरे को वापस ले आओ, इस रेस के अंदर जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, दे हैव टू ट्रैवल द एंटायर वर्ल्ड सिंगल हैंडेड नॉन स्टॉप, कहीं भी रुकना आपको नहीं है। नाउ यहाँ पर अच्छी, यहाँ पर यूनिक बात क्या है, द यूनिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर थिंग इज, द यूनिकनेस ऑफ दिस एंटायर थिंग इज कि the boat design and technology should not be newer than 1968 से पहले की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करनी है, उसके बाद की आप यूज़ नहीं कर सकते, एंड दे कैन नॉट यूज़ सिस्टम्स लाइक द GPS और सैटल कम्युनिकेशन और मॉडर्न नेविगेशनल एड्स। तो कंडीशन है कि एनी एंड एवरी पार्टिसिपेंट शुड यूज़ टेक्नोलॉजी विच इज़ बिफोर 1968, उससे पहले की टेक्नोलॉजी का यूज़ ये यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, ये चीज़ यहाँ पर आपके सामने मेंशन की गई है। ओके, तो ज़रा एक बार दिखा दें इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉट्स, जो कि ये रहा आपके सामने, मेरे को हटा दो, स्क्रीन छिप रही है। कमांडर अभिलाष टोमी ऑफ द इंडियन नेवी, अ वेल नोन सेलर, इज पार्टिसिपेटिंग इन द हिस्टोरिक गोल्डन ग्लोब रेस विच इज कमेंस फ्रॉम द लेस सेबल्स डेल ओलॉन हार्बर इन वेस्टर्न फ्रांस। ये एकमात्र इन्वाइटिंग है
जो कि एशिया से गए हैं. दे आर रिक्वायर्ड टू सेल द एंटायर वर्ल्ड विदाउट नॉन स्टॉप, विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर एंड सिंगल हैंडेड. खासियत है कि 68 से पहले की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, उसके बाद की यूज़ नहीं करनी है. और यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको, एंड दैट थिंग गाइस इज़ कि दिस GGR इज़ कंडक्टेड बाय अ UK बेस्ड सेलिंग पायनियर सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन. ही इज़ कमेमोरेटिंग 50 ईयर्स सिंस द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलो नॉन स्टॉप सबवे नेविगेशन बाय हिम ऑन द इंडियन बिल्ट बोट दैट इज़ सुहेली. तो बेसिकली उन्होंने सुहेली पर 50 साल पहले उन्होंने सर्कम नेविगेट किया था पूरे वर्ल्ड को. एंड सेलिब्रेटिंग द 50 ईयर्स दिस गोल्डन ग्लोब रेस इज़ नाउ इनॉग्रेटेड, नंबर वन. नंबर टू, कमांडर टोमी इज़ द ओनली इंडियन टू कम्पीट सोलो नॉन स्टॉप इन द वर्ल्ड. एंड वो एकमात्र इंडियन है जिन्होंने अकेले दम पर पूरे ग्लोब को नेविगेट किया था 2012-13 में. एंड ही इज़ यूजिंग द वेसल तुरिया विच इज़ बेसिकली द रेप्लिका ऑफ सुहेली विच वॉज यूज बाय सर रॉबिन जॉनस्टन. तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो टोमी हमारे हैं, इनका नाम ही टोमी है तो हम क्या करें, टोमी अबलास टोमी जो हैं बेसिकली ये पहले इंडियन थे जिन्होंने एक सोलो, ये ओनली इंडियन है जिन्होंने सोलो ट्रैवल किया है, नेविगेट किया है शिप से. और ये इस बार यूज़ कर रहे हैं सुहेली को जो कि इनका, सॉरी यूज़ कर रहे हैं थुरैया को जो कि रेप्लिका है सुहेली की. चलिए तो वापस स्क्रीन पे आते हैं गाइस. ये अगर आपको 50% भी क्लियर है तो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर दिस इज़ 50% क्लियर टू मी, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ अपनी अगली खबर पे. अगर ये क्लियर है आप सबको तो आई होप ओके. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पर जो कि ये रही. अब आपके सामने एक अच्छी खबर है, आफ्टर हैविंग इमीडिएट पासपोर्ट्स अब आपका जो है, अब आप इमीडिएट पैन कार्ड भी बना सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड है. सो द फॉर एनी वन हु इज़ नॉट हैविंग अ पैन कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पैन कार्ड एप्लीकेंट्स, आप पैन कार्ड को इंस्टेंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है. तो देखिए 50% अगर आपको क्लियर है कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उतना ही आपका मतलब एक सवाल आ रहा है. रेप्लिका मतलब हम शक्ल, उसका ही कॉपी है. रेप्लिका बेसिकली मीन्स अ कॉपी. ओके तो इस खबर की आइए बात करते हैं. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि इंस्टेंट यहाँ पर एक आपका पैन कार्ड बनेगा. देखिए दिया हुआ है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ओनली अवेलेबल फॉर आधार कार्ड होल्डर्स. तो अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इंस्टेंट आधार बेस्ड पैन अलॉटमेंट सर्विस फॉर इंडिविजुअल सीकिंग द यूनिक आइडेंटिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पैन कार्ड को बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर पैन, क्योंकि कई बड़ी मात्रा में पैन कार्ड को लोगों ने अप्लाई किया है, इसलिए उन्होंने ऐसा यहां पर कर दिया है. नाउ आपको करना क्या होगा, यू हैव टू गो टू दी वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.gov.in. वहां पर जाके आप ये पूरी जानकारी ले सकते हैं. यू कैन अप्लाई फॉर द पैन कार्ड वाया गोइंग टू द वेबसाइट दैट इज www.incometaxindiaefilling.gov.in. अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे तो जो पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग डेट है वो अब आपकी मार्च 31 कर दी गई है. तो बहुत ही आसान सी खबर है दोस्तों कि टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्चेस इंस्टेंट पैन कार्ड सर्विस. अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पैन कार्ड को बिल्कुल ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टू द इनकम टैक्स वेबसाइट. वहाँ पर जाकर आप इसको अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों दिया भी हुआ है. ओके, नाउ व्हाट इज पैन कार्ड गाइस? पैन बेसिकली स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर. बेसिकली इट इज़ बेसिकली एन आइडेंटिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, स्पेशली दोस्तों पे इनकम टैक्स. जो जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनके लिए पैन कार्ड ज़रूरी है. एंड शुरुआत हुआ 64 में एंड अब तक ये आपका लगातार चलता जा रहा है. द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ पैन कार्ड गाइस इज़ बेसिकली 10. तो 10 डिजिट का आपका एक पैन कार्ड होता है एंड 64 से ये आपका लगातार चल रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं. तो अगर ये क्लियर है एक बार लिख दीजिए कमेंट्स में यस सर दिस इज़ क्लियर. मैं चाहता हूँ कि अगर आपको 50% भी क्लियर है, आप एक बार फिर पढ़ लोगे तो आपको हो जाएगा. तो कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर इट इज़ एब्सोल्यूटली क्लियर. ओके यस 64 बिल्कुल सही कह रहे हैं. ओके
तो मैक्सिमम लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी अगली खबर पे। अग्नि 5 टू बी अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर आर्सेनल सून। अग्नि 5 जो कि एक न्यूक्लियर केबल मिसाइल है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर आर्सेनल एनी टाइम सून। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा DRDO कह रहा है, ऐसा बाकी बॉडीज़ कह रही हैं कि अग्नि 5 विल बी अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर केबल मिसाइल्स ऑफ इंडिया। एंड अभी हाल ही में इसका टेस्ट हुआ था ऑफ न्यूक्लियर केबिलिटी, एंड अब बेसिकली इसको बहुत जल्द इसको इंकल्केट यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िएगा यहाँ पर, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 विल बी इंडक्टेड इन द इंडियन न्यूक्लियर आर्सेनल वेरी सून। दिस इज़ द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इसका जो नाम है ऑफिशियल वो है अग्नि, पर इसका जो एक्चुअल टाइप है दैट इज़ IRBM। इसकी रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 to 8,000 किलोमीटर्स। इसको बहुत जल्द ऐड किया जाएगा इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ इंडियन मिसाइल्स। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए जानते हैं इस मिसाइल के बारे में, ये मिसाइल है क्या, ये रहा आपके सामने। अच्छा, एक सवाल आ रहा है आरती सहगल का, आर्सेनल मीन्स कुनबा। तो जो न्यूक्लियर मिसाइल का कुनबा है, जो उसका एक कलेक्शन है, उसमें अब आपका ये भी आ जाएगा। वैसे आर्सेनल तो आपका एक फुटबॉल टीम भी है EPL की, पर यहाँ पर मतलब होता है टोटल न्यूक्लियर कलेक्शन और टोटल न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, तो उसका ये पार्ट आपका हो जाएगा। अब एक सवाल आ रहा है, उसका जवाब कोई कमेंट्स में दे दे कि वॉट इज़ अ बलिस्टिक मिसाइल। मैं चाहता हूँ कमेंट्स में, क्योंकि देखिए मैंने जब मैं शो शुरू किया था 2 साल पहले, तो मैंने बताया था कि आप हम मिलकर इस शो को अच्छा करेंगे। तो जो भी लोगों को पता है बैलिस्टिक मिसाइल क्या है वो बाकियों को बता दे, और ताकि हम आगे बढ़ें। इसको मैं नहीं बताऊंगा, हाँ रेंज बता दूंगा। रेंज जो है इसका, वो रेंज है आपका 5,000 to 8,000 किलोमीटर्स। एंड IRBM का फुल फॉर्म देखिए मैंने दिया हुआ है, द फुल फॉर्म ऑफ IRBM गाइज इज द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि यहाँ पर दिया भी हुआ है। ओके, देखो अपरिचित का आंसर भी आ गया, बैलिस्टिक मिसाइल इज अ पैराबोलिक मिसाइल। मतलब क्या होता है सर, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर और ऐसे जाता है। कितने लोगों ने बीटेक किया, बीटेक वाले जानते होंगे, या अगर आपका 10th तक साइंस रहा होगा आप जानते होंगे पैराबोला फॉलो करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एमिशन पॉइंट, इट गोज दिस वे राउंड, दैट इज अ पैराबोलिक मिशन। तो वो बेसिकली आपका होता है एक बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, सो देखो सबको आंसर आ भी गया, तो चलिए अब दिखाते हैं आपको इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉट, जो कि ये रहा। जो बातें ऑलरेडी बता चुके हैं उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ मुद्दे की। तो भारत की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये पार्ट होगा आपका ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ऑफ इंडिया। बेसिकली इट इज़ एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO, एंड इसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और इसका जो रेंज है दैट इज़ 5,000 to 8,000 किलोमीटर्स। तो सिंपल सी खबर है कि इट इज़ इंडियाज़ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO। जो लोग पूछ रहे हैं पेज नंबर, देखिए दिया हुआ है पेज नंबर, द पेज नंबर इज पेज नंबर 13। इसके मैन्युफैक्चरर हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एंड इसका जो रेंज है वो है आपका 5,000 to 8,000 किलोमीटर्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जिनका भी SBI क्लर्क मेंस और PO मेंस हैं, वो तो अब लगातार शो को देखें, बिकॉज इस भी एक महीने में जितने भी हमारे शोज थे जो बंद हो गए थे, चाहे वो BBM हो चाहे वो 100 MCQ, ये सारे शोज इस हफ्ते आएंगे। और जो कोटा था पुराने हफ्ते का, वो हम सबका सब पूरा करने वाले हैं। इस हफ्ते शुरू होने वाला है दोस्तों, तो परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम बिल्कुल आपकी इस पूरी चाहत को पूरा करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइन गाइज। आई होप यहां तक आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज, अलका तिवारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेक्रेटरी। बेसिकली 20 ऑफिशियल्स को अभी हाल ही में चेंज किया गया, उनमें से जो सबसे बिगेस्ट चेंज है दैट इज़ वी हैव अ न्यू CVC, जिनका नाम दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, उनका नाम है मिस अलका तिवारी, एंड शी इज़ द न्यू सेंट्रल विजन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और द CVC सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, प्रजापति विजय शंकर। आई नो यू आर ट्राइंग टू टीज मी, बट BBM शैल नेवर डाई, इट विल कंटिन्यू दिस वीक एंड वी विल कंप्लीट ऑल दी सेशंस गाइस। ऑल राइट, नाउ दिस इज रादर इंटरेस्टिंग एज अ हेडलाइन, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर एन इंटरव्यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इंडियाज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, India's FDI is going down.
इट हैज़ कम टू अ फाइव ईयर लो, 5 साल में इतना लो कभी नहीं हुआ. अब आई एम नॉट ट्राइंग टू पोलिटिसाइज दिस हेडलाइन गाइस, बट इट इज़ अ वरीसम साइन कि जो FDI ग्रोथ है इंडिया का वो आपका 5 साल में सबसे कम हो गया है. और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ, सो इट हैज़ ओनली इंक्रीज 3% विच इज़ द लोवेस्ट इन 3 ईयर्स. अभी जो आपका इनफ्लो है वो है 44.85 बिलियन इन 2017-18, जो कि सबसे लोएस्ट है इन द फॉलोइंग 5 ईयर्स. 5 सालों में इससे कम आपका FDI कभी नहीं हुआ. अगर हम बात करें इसके डिविजन्स की, तो देखिए डिविजन दिए हुए हैं. दे हैव कम फ्रॉम सर्विसेज 6.7, फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 6.15, फ्रॉम टेलीकॉम 6.21, फ्रॉम ट्रेडिंग 4.34, कंस्ट्रक्शन 2.73, ऑटोमोबाइल 2 बिलियन एंड पावर 1.62 बिलियन. तो ओवरऑल जो आपका है वो आपका कम हो गया है. नाउ द इफेक्ट विल बी दैट द रिजर्व्स, द फॉरेन रिजर्व्स ऑफ इंडिया विल डिक्रीज, एंड इससे जो इंडिया का एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नेचर है उस पर असर पड़ेगा. सो जो FDI है वो आपका कम हो गया. FDI बेसिकली स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. It is the net investment done by the companies in India. The investment should be more than 10% in a company. And वो जो आपका है ये कम हो गया है. नेहा त्रिपाठी, of course it is bad for the country. FDI should increase at a greater pace because India is developing, India is becoming a more developed country. तो जो इंडिया है वो है आपका. Now the reasons could be the US impact. The US is trying to protect its own economy. The reason could be China's growing stature. The reason could be Mr. Jaitley's policies. It could be anything. It could be domestic policies. It could be US policy. It could be Chinese policy. So ये सारे reasons आप ये हो सकते हैं. Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं, unbiased opinion. इट कैन ऑल्सो बी द इंडिया चाइना ट्रेड वॉर, वो भी एक इसका कारण हो सकता है. दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग कारण. बट अकॉर्डिंग टू मी द US चाइना ट्रेड वॉर एंड द US पॉलिसी, दीज टू थिंग्स आर मेजर फैक्टर्स. सिमिलरली जो इंडिया में चेंज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल GST आ गया, फॉर एग्जाम्पल डिमोटाइजेशन हो गया, सो दीज टू आर ऑल्सो बिग रीजन्स फॉर द डिले, फॉर द डिक्रीज इन द FDI. दोनों रीजन्स भी यहाँ पर, देर आर मेनी रीजन्स दैट यू कैन गिव. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. ये रही आपके सामने, रेरा वर्सेस द IBC, टू लॉज दैट नाउ ब्रिंग फेंस होम बायर. जरा वापस एक बार स्क्रीन पे आ जाए, लेट्स कम बैक टू स्क्रीन. नाउ गाइस, RERA बेसिकली मींस रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ऑल राइट, एंड IBC मींस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. तो एक बार जरा पहले कमेंट्स में लिखिएगा एक बार, और लिखिएगा येस सर वी आर फोकसिंग, बहुत बड़ी खबर है और ये एग्ज़ाम में RC में आ सकती है, मेंस में और एग्ज़ाम में भी आ सकती है. देखिए बात समझिएगा. अच्छा, रेरा बेसिकली मींस रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट एंड IBC मींस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. नाउ हाउ आर दीज टू रिलेटेड? देर इज़ अ कॉमन कस्टमर विच कैन बी अ पार्ट अंडर रेरा एंड विच कैन ऑल्सो बी अ पार्ट अंडर IBC. That common customer, guys, is called as home buyers. I'll again repeat, guys, कौन से buyers? घर खरीदने वाले, home buyers. Now, there are two laws for them. That is the RERA law and the IBC law. Now, there will be a question that both these laws shall work in favor of the home buyer. जो मकान खरीदने वाला है, उसके लिए दोनों ही important है. तो यहाँ पर सवाल बनेगा, how does Real Estate Regulation Act help the home buyers? And how does IBC, that is Insolvency and Bankruptcy Code, help buyers? तो ये दो सवाल हैं कि कैसे ये दोनों जो हैं वो help करेंगे home buyers को, उसकी चर्चा हम करेंगे. उसके लिए चलते हैं इसी के हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स पर, जो कि ये रहा. मेरे को हटा दो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फोकस करना चाहिए इनको इस हेडलाइन पर. तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग पूछ रहे हैं सर व्हाट इज रेरा, तो देखिए रेरा दिया हुआ है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, दैट इज रेरा, and Insolvency and Bankruptcy Code IBC, that is IBC. Now, in dono, ye dono hi, they offer protection to the home buyers from errant builders. Errant matlab, jo builders land nahi dete hain, who are suspicious in providing land. Okay, now in RERA, every builder or every promoter shall include himself with RERA. 75% of the amount realized shall be deposited in a separate account.
विड्रॉल ऑफ द अमाउंट शैल ओनली डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जरा मेरे को वापस स्क्रीन पर ले आए। देखिए रेरा के अंदर जो भी आपका बिल्डर है, जो भी आपका प्रमोटर है, वो अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट कराएगा। आफ्टर लिस्टिंग 75% ऑफ द फंड्स जो कि आप दोगे बिल्डर को, दो 75% फंड्स शैल बी इन अ सेपरेट अकाउंट। जैसे जैसे आपका लैंड बनता जाएगा, जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग बनती जाएगी, वैसे वैसे ही आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू बिल्डर। बात समझिएगा ध्यान से कि एज सून एज द बिल्डिंग शैल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, द अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेपरेट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द बिल्डर। और अगर वो कम बनाएगा तो पैसा भी कम मिलेगा। अब देखिए, अगर वो इसे नहीं कर पाता है ऑन द फेलियर टू गिव पोजेशन, अगर वो आपको लैंड नहीं दे पाता है, तब होम बायर को पूरा पैसा मिलेगा फ्रॉम द प्रमोटर। द प्रमोटर हैज़ टू पे द होल अमाउंट टू द कस्टमर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर होम बायर को अगर वो पोजेशन ना मिल पाएगा, इफ द पोजेशन ऑफ दैट लैंड ऑफ द अपार्टमेंट नॉट गिवन, देन द एंटायर अमाउंट बाय द बिल्डर विल बी ट्रांसफर टू द कस्टमर इन फुल। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अच्छा, एक सवाल आ रहा है दीपक सॉय का, सर सेपरेट अकाउंट मतलब एक थर्ड अकाउंट। उस अकाउंट पर कंट्रोल ना तो बिल्डर का होगा और ना ही कस्टमर का होगा। उस अकाउंट से पैसा तभी निकलेगा जब आपका कस्टमर पैसा ट्रांसफर करेगा। तो भाई मेरे जिगर के टुकड़ों, फोकस करो। उसके बाद अगर बात करें होम बायर्स की, बाकी चलो बाकी फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट आप पढ़ना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। बाकी फर्स्ट थ्री अगर क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दो। यस सर इट इज़ क्लियर। 2016 का आपका ये है, ये आपका कहीं और का नहीं है। तो अगर ये क्लियर है आप सबको एक बार कमेंट डाल दो, यस सर दिस इज़ एब्सोल्यूटली क्लियर। बाकी आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स खुद से पढ़िएगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं कमेंट्स में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। Verstappen wins at home. Max Verstappen has made the most of the rare Mercedes double retirement on Sunday by claiming his first win this year and Red Bull's first at home in an incident-packed Austrian Grand Prix. तो Austrian Grand Prix जीती है Max Verstappen ने। He has won the Austrian Grand Prix, guys, and he is from the Red Bull Formula One team and उन्होंने यहाँ पर Austrian Grand Prix को जीत लिया है। The second place went to Ferrari of Kimi Raikkonen and the third place went to Sebastian Vettel, who is now the leader in the driver championship ahead of Hamilton by a single point. तो जो Austrian Grand Prix है दोस्तों, the Austrian Grand Prix has been won by Max Verstappen. He drives the Red Bull Formula One team, number one. Number two, he has, and the second spot went to Ferrari's Kimi Raikkonen, and third spot went to again Ferrari's Sebastian Vettel. Now the leader of the driver championship is Sebastian Vettel, who leads Lewis Hamilton by a single point. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली सुर्खी जो कि ये रही, इंडिया फॉल्टर्स अगेन। जो भारत है उसने फिर से इस बार फॉल्ट किया है। इट हैज़ अगेन गाइस फॉल्टर्ड, इट हैज़ फेल्ड टू विन द चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल। इट हैज़ बीन डिफीटेड बाय ऑस्ट्रेलिया इन द शूट आउट। अच्छी बात ये रही कि जो एक नॉर्मल प्ले टाइम था, इन द नॉर्मल प्ले टाइम इंडिया वॉज ड्रॉन विद ऑस्ट्रेलिया एट 1-1, बट इन द पेनाल्टी शूट आउट इंडिया वॉज डिफीटेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है कि इंडिया वॉज डिफीटेड 3-1 वाया शूट ऑफ आफ्टर बोथ टीम्स वर लॉक्ड एट 1-1 इन द रेगुलेशन टाइम टू क्लिंच इट्स सेकेंड कंसेक्यूटिव चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स हियर ऑन संडे। तो बेसिकली वो हार गए हैं फाइनल्स में और इस बार के जो चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता हैं उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसके अलावा द नेदरलैंड्स वन द ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग अर्जेंटीना 2-0। तो नेदरलैंड्स को मिला है ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर गया इंडिया को एंड गोल्ड आपका गया टू ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। फ्रेंच राइड्स आइकॉन सिमोन वेल हैज़ बीन ऑनर्ड।
फ्रेंच राइट्स की प्रवक्ता हैं ये, और इनका हाल ही में इन्हें ऑनर किया गया है. शी वॉज बेसिकली अ होलोकॉस्ट सर्वाइवर. आप देखिए, होलोकॉस्ट की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा अबाउट एडॉल्फ हिटलर. उन्होंने ज्यूज को एक सोच के साथ मरवाया था. ही हैड थ्रू वेरियस मीन्स किल्ड एंड मर्डर्ड इन मास नंबर्स द ज्यूज. दैट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द होलोकॉस्ट. सो शी इज वन ऑफ द होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स एंड अ वुमेन्स राइट आइकॉन, सिमोन वेल. एंड शी वॉज ऑनर्ड एट द बरियल. And she's regarded as France's most popular and trusted public figures. तो उनको basically honor किया गया and उनका देहांत already हो चुका है. And she was one of the Holocaust survivors, guys. And उनका यहाँ पर वो उनको honor किया गया उनके burial पर जाकर, जिनका नाम है Simone Weil. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Let's focus now on the next of the headlines. अब बारी है हमारे आज के केस स्टडीज़ की, तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी. अच्छा, एक सवाल आ रहा है. आप लोग सवाल पूछते हो ना बहुत आसान इंग्लिश का. क्लिंच मींस जीत लिया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये था आपके सामने द फर्स्ट हेडलाइन गाइस, रीयूनाइट. नाउ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज. इन्होंने लॉन्च किया है. It will help track and trace missing and abandoned children in India. तो देर आए दुरुस्त आए, बड़ी खबर है दोस्तों कि जो इंडियन रेलवेज़ है उसने एक ऐप बनाई है. उस ऐप का नाम है रीयूनाइट. ऐसे बच्चे जो खो गए हैं, मिसिंग हैं, अबैंडेंड हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं वाया दिस पर्टिकुलर ऐप. नाउ दिस ऐप हैज़ बीन सेटअप बाय द बचपन बचाओ आंदोलन एंड केप जमनी. उन्होंने साथ में मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है. एंड दिस ऐप इज़ मल्टी यूज़र वेयर पेरेंट्स एंड सिटीजन्स कैन अपलोड पिक्चर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लाइक नेम, बर्थमार्क, एड्रेस, रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, सर्च एंड ये सारे काम कर सकते हैं. यहाँ पर दे आर यूजिंग द अमेजोन रिकॉग्निशन वेब फेशियल रिकॉग्निशन सर्विस, जिसका यूज़ किया जाएगा मिसिंग किड्स को पहचानने के लिए. और ये एंड्रॉयड, iOS दोनों पे ही आपकी अवेलेबल है. तो बहुत ही आसान से दोस्तों खबर है कि जो रीयूनाइट ऐप है, रीयूनाइट ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज. इस ऐप को लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट बाय बचपन बचाओ आंदोलन एंड केप जमनी. इस ऐप के जरिए मिसिंग चाइल्ड्स को आप देख सकते हैं, मिसिंग चाइल्ड्स उनकी पिक्चर्स, उनकी इंफॉर्मेशन इसको कर सकते हैं प्रोवाइड. और ये ऐप अवेलेबल है आपकी एंड्रॉयड पर भी और साथ ही साथ आपकी iOS पर भी. तो अच्छी खबर है दोस्तों, ऐसा चीज़ें होनी चाहिए आपके होनी चाहिए समय के साथ. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि दिस आंदोलन इज बेसिकली ऑफ अ वेरी फेमस नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट. उनका नाम क्या है ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि वो जो कैलाश सत्यार्थी हैं उन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू किया, वो इसके मेन प्रवक्ता हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये रही आपके सामने अगली खबर. OPCW, the organization for the prohibition of chemical weapons, ye organization jo hai aapki ye aajkal news mein hai. The reason why ye news mein hai because it has granted itself new powers to assign blame for attacks despite protest by Russia. Until now iske paas aisa powers nahi tha, ab ye assign kar sakta hai ki kis kis country ne ya kisne wo attack ko kiya hai. So dekhiye dosto, yahan par diya bhi hua hai ki now OPCW has itself new powers to assign blame for attacks despite Russia protesting. Until now it could only say whether chemical weapons were used but not who had used them. तो अभी तक सिर्फ वो ये कह सकती थी कि chemical weapons का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, पर अब now it can say that yes this country, this individual, ये जो माइका लाल है इसने ये गलती की है, ये अब वो कर सकती है. अगर हम बात करें OPCW की, तो OPCW basically came into the news, basically ये आपका शुरुआत हुआ इसका in 1997 and basically it was awarded the 2013 Nobel Peace Prize for its extensive efforts to eliminate chemical weapons. तो ये सही कई सारे तमगे इसके नाम हैं. अब basically अगर हम बात करें तो OPCW जो है उसके पास नई पावर्स आई हैं. न्यू पावर्स आर फॉर असाइनिंग कि कौन जिम्मेदार है उस पर्टिकुलर अटैक का. ये आपके सामने यहाँ पर हमने दे दिया है. बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा आप OPCW के बारे में, वो आप पढ़ सकते हैं. पर ये हमारा आज का सेकेंड केस स्टडी है. अगर ये क्लियर है
आपको, हमें आज का मिला है पहला स्पॉन्सर जिनका नाम है पीहू मेहता। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग भी स्पॉन्सर बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद हम अगले महीने मतलब जुलाई से वी आर स्टार्टिंग स्पॉन्सर बेस्ड शोज, उनके लिए भी हम वो शो स्टार्ट कर देंगे, वो चीज़ यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पर, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर, रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ऑल राइट, रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। द नीति आयोग हैज लॉन्च द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग, दैट इज इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन सेल्फ रिपोर्टेड डेटा ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। इट इज बेस्ड ऑन फाइव एरियाज, हेल्थ न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिसोर्स वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक, तो इन पर ये बेस है आपका और इस पर बेस उन्होंने रैंकिंग निकाली है ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, इस रैंकिंग में दाहौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज एट नंबर वन, वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम इज नंबर टू एंड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ इज एट द सिक्स पोजिशन। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान सी खबर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ द एंटायर रैंकिंग, जो नंबर वन आपका डिस्ट्रिक्ट है दैट इज द दाहौर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात नंबर वन पे, नंबर सेकंड पे आपका वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मौजूद है। तो इस रैंकिंग में ये दोनों रैंकिंग आपकी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारे आज की स्टैटिक जीके का। दोस्तों वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अरुणाचल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट असम, आज बारी हमारे थर्ड स्टेट की जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। नाउ गाइस, द कैपिटल ऑफ आंध्र इज अमरावती, लार्जेस्ट सिटी इज विशाखापत्तनम, द गवर्नर इज ESL नरसिम्हन, द CM इज श्री N चंद्रबाबू नायडू, द स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक, द स्टेट बर्ड इज रोज रिंग्ड पराकीट, द स्टेट फ्ला इज जैस्मीन एंड द स्टेट ट्री इज नीम। इट इज़ नोन एज द एग बोल ऑफ एशिया। अच्छा हाँ, वापस आए। हाँ, सिमिलरली रिवर्स की बात करें, द रिवर्स आर कृष्णा, पनेरू एंड गोदावरी, द डैम्स आर श्रीसेलम, नागार्जुन सागर, प्रकाशम, दीज आर ऑन कृष्णा। देन वी हैव धौलेश्वरम, बराज, पुलावरम ऑन गोदावरी। इंपॉर्टेंट डांसेस हैं आपके कुचिपुड़ी, उगादी वहाँ का न्यू ईयर है तेलुगु का। नेशनल पार्क्स में वेंकटेश्वरा है, गुंडला ब्रह्मेश्वरम है, कोरिंगा है और अली सागर है। सिमिलरली वहाँ का एक स्टेडियम है, इसका नाम है ACA VDCA स्टेडियम, जो कि क्रिकेट का है। निकनेम्स में अमरावती इज नेम इज रिवर फ्रंट कैपिटल, गुंटूर इज फेमस फॉर चिलीज एंड टोबैको, विशाखापत्तनम इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आंध्र एंड तिरुपति इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पर दे दी हैं। चलिए तो अब ले चलते हैं आपको हमारी लास्ट इमेज पर, जो कि ये। तब तक दोस्तों, अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो लगातार शो को लाइक करते जाए ताकि हम समझ पाएं, यस सर यू आर ऑल लाइकिंग द शो। बिल्कुल ब्लैक बक सलमान खान का फ़ैन है वो। योर ओनली लिमिट इज़ यू, आपकी जो लिमिट है वो आप खुद हैं, ये आप खुद डिसाइड करें आपको क्या अचीव करना है। दोस्तों मैं चाहूँगा, करीब 1900 लोग हमारे साथ मौजूद हैं एंड आई टेक ओनली 10 seconds, तो क्या मैं वो बात कर सकता हूँ? अगर बात कर सकता हूँ एक बार बता दीजिए। हाँ, तो मैं चाहूँगा लाइव इस शो में एवरीवन शुड क्लोज देयर आईज एंड थिंक ऑफ अ सिंगल टारगेट, अ सिंगल ड्रीम दैट दे हैव, एंड इफ दे स्टिल विश टू एक्चुअली अटेन दैट ड्रीम, से इन योर माइंड आई विल एंड आई कैन। बस आपको ये करना है, आँख बंद करनी है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं एंड दे हैव टू से उस ड्रीम के बारे में सोचे जो आपका बचपन में ड्रीम था, जो आप चाहते हैं करना, और आप कहिए अपने आप से आई विल एंड आई कैन। अगर आप ये कहेंगे अपने आप से गाइस, तो आज आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगा, यू विल फील अनदर एनर्जी ऊजिंग आउट ऑफ यू। सो वेदर यू आर एस्पायरिंग फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, एन एस्ट्रोनॉट, अ पेंटर, अ डांसर, एनीथिंग एट ऑल, वो कर सकते हैं आप, पर आप उसके लिए अभी जो आप कर रहे हैं पहले एग्जाम निकालिए एंड फिर उसको आगे बढ़िए, पर वो सोचिए दिमाग में, बिकॉज गाइज इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एक्सरसाइज दैट एवरी डे रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द टारगेट्स ऑफ द ड्रीम दैट यू हैड व्हेन यू वर 10 years of age, जब आप 10 साल के बच्चे थे तो आप क्या कर सकते थे या सोचते थे, वो चीज़ आप यहाँ पर करिएगा। विद दीज लाइन्स गाइज, आई होप आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस ऑनलाइन, ये मेरी कोशिश भी है, हमारे चैनल की कोशिश भी है कि हम ऑनलाइन एक डिफरेंस क्रिएट करें एजुकेशन में, एंड आई होप हम उस पर खरा उतर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, मिलते हैं आपसे फिर हम कल ट्यूसडे को सुबह 8 बजे, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइज़।